ठीक है, क्वेश्चन नोट करो. सपोज देर इज एन इंक्लाइन, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा. देर इज अ ब्लॉक कैपिटल एम, ये ब्लॉक है, एंड इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है स्मॉल एम. तो एक टेढ़ा ब्लॉक है इस तरीके से, एंड एक इसके ऊपर स्मॉल एम ब्लॉक है, एंड इसमें कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, और इसका जो मास है वो ये ए ब्लॉक है और ये कैपिटल बी ब्लॉक है. इनके बीच में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इनके बीच में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यानी कि ये सिस्टम नीचे स्लाइड होता हुआ आएगा. तो यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये पूरा जब सिस्टम नीचे आ रहा है तो ए और बी आपस में स्लाइड नहीं हो रहे, इकट्ठे नीचे आ रहे हैं, चिपके नीचे आ रहे हैं. इसका मतलब इनमें सफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन है. सो आपको ये बताना है कि इंक्लिनेशन का एंगल थीटा कितना हो ताकि इकट्ठे नीचे आए. आपको थीटा बताना है, थीटा बताना है इंक्लाइन प्लेन का कितना रखें ताकि ये दोनों के दोनों इकट्ठे नीचे आए. कैसे हिला ना भी? देखो जरा, तो इसमें स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में वैल्यू बतानी है क्या होगी. जब तक आप फोर्सेस और फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाओगे ना, बात बनेगी नहीं. मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि जब सिस्टम नीचे आ रहा है तो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगी सूडो फोर्स, क्योंकि ये तो स्लाइड करता हुआ नीचे आ ही जाएगा कैपिटल एम. तो स्मॉल एम के ऊपर ऊपर की तरफ सूडो फोर्स एम इंटू ए. जैसे अगर हम स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये स्मॉल एम है, ये पूरे का पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है विद एक्सेलेरेशन जी टू साइन ऑफ थीटा, इतने एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है. तो स्मॉल एम क्योंकि नीचे आ रहा है और स्मॉल एम नीचे आ रहा है तो इसकी इस तरफ एक्ट करेगी सूडो फोर्स. क्या इस स्टेप से समझ में आ रहा है? क्योंकि ए सिस्टम का नीचे है ना, तो सूडो फोर्स ऑब्वियसली कहां एक्ट करेगी? इन ऑपोजिट एक्शन. ठीक, सूडो फोर्स ऊपर, और ये जो एंगल है अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी कितना है? थीटा, सेम थीटा. इसके दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे एम ए इंटू कॉस थीटा एंड एम ए इंटू साइन थीटा, एम ए इंटू साइन थीटा. ठीक है यहां तक? ठीक, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन लगेगा, क्योंकि ये स्मॉल एम इसके ऊपर है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड्स एन. ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन एन. और वेट स्मॉल एम जी नीचे, तो स्मॉल एम जी की जो वैल्यू है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने आ रहे हैं. एक और चीज इसमें एक्ट करेगी और वो है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बोलो कहां एक्ट करेगी? राइट की लेफ्ट? कितने लोग बोलते हैं राइट, कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट? एक बात बताओ, ये ब्लॉक कहां मूव करने की कोशिश कर रहा है? नहीं कर रहा. इसके एक्चुअली इस पे फोर्स कितनी लग रही है? एम ए. हॉरिजॉन्टल राइट, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? लेफ्ट. समझ में आ रहा है? जब ये नीचे उतर रहा होगा तो एम ए कॉस थीटा चाहता है कि ये राइट आए, लेकिन फ्रिक्शन चाहता है कि ये राइट ना जाए, तो ऑपोजिट एक्शन. ठीक है यहां तक? ऐसी कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. और इसके लिए वर्टिकल फोर्स तो क्लियर है, ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स अगर करते हैं तो एन प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम जी. तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ गया? एम जी माइनस एम ए इंटू साइन थीटा. ठीक, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई इसमें. और अगर आप चाहते हो हॉरिजॉन्टल में ना मूव करे, ये मैंने वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस ली हैं. हॉरिजॉन्टल के केस में
राइट की फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट की फोर्स, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू कॉस थीटा। एक ये क्वेश्चन आ गई, एक ये क्वेश्चन आ गई, स्मॉल एम का तो केस हो गया क्लियर। अब बात करते हैं कैपिटल एम की। कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो कैपिटल एम ऐसा है, इसकी सरफेस ऐसी है, कैपिटल एम ऐसे स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहे हैं। तो कैपिटल एम के केस में नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल एम ने स्मॉल एम के ऊपर एक फोर्स लगाई थी एन, और स्मॉल एम भी कैपिटल एम के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा एन। तो एक कैपिटल एन यहां लगेगा इसका एन, क्यों? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगते हैं, तो एक तो एन नीचे लग रहा है, और एक एन कैसे लग रहा है इसका, इस तरीके से लग रहा है एन डैश, क्यों? क्योंकि ये सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगी, रिएक्शन लगाएगी एन डैश। इसमें दो रिएक्शन हैं, एक तो ऊपर वाली सरफेस से आ रहा है और एक नीचे वाली सरफेस से आ रहा है। इस पर फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के ऊपर एक्ट करेगी, बोलो कहाँ, राइट की लेफ्ट? कितने लोग बोलते हैं राइट, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर लग गई लेफ्ट, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, टूवर्ड्स राइट, ठीक। और इसको नीचे की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, कैपिटल एम जी साइन थीटा, जिससे कि नीचे आ रहा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है जिससे कि सिस्टम नीचे आ रहा है जी साइन थीटा, आप चाहते हो कि ये ए एंड बी क्या हो, ए एंड बी चिपके रहे, ठीक। तो ऐसा कब होगा, वो तो नॉर्मल रिएक्शन थी तो हवा में, तो कांटेक्ट छोड़ने वाली बात है ना, हाँ, तो हमने तो उसको पकड़ के रखना है। तो अगर आप चाहते हो चिपके रहें तो कौन सी फोर्स किससे बड़ी होनी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स किससे, एक बात सुनो, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है या राइट, एमजी साइन थीटा एक्ट कर रही है नीचे, इनका तो वेक्टर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कम से कम वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए ना, तभी बात बनेगी। एमजी एमए एमए कॉस थीटा, क्या बोले, एमए कॉस थीटा, एमए कॉस थीटा से बनाए, सही कह रहे हो। ए ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, वो तो स्टेशनरी है, तो इसको राइट की तरफ मूव कौन करवा रहा है, एम ए कॉस थीटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। हमारी क्वेश्चन तो यहीं से ठीक बन जाएगी, हमें कैपिटल एम को लेने की जरूरत ही नहीं है वैसे, क्योंकि हम तो यहीं से सॉल्व कर देंगे, तो हमारी कंडीशन यहीं से बन जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एम ए कॉस थीटा, ठीक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन एम ए कॉस थीटा, या कम से कम लिमिटिंग केस ले लो, चलो इक्वल टू ले लो, ग्रेटर देन की जरूरत ही नहीं, लेस देन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने तो उसको रोक के रखना है, तो रोक के रखने की कंडीशन तो इक्वल टू के साथ बनी सकती है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, और यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एन हम निकाल चुके हैं, कितना, एम जी माइनस एम ए इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए इंटू कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करना, देखना जरा क्या आ रहा है आंसर, और इसमें ये भी बताओ कि ए की वैल्यू क्या पुट करोगे इसके अंदर, जी साइन थीटा, तो जहां जहां आपको ए दिख रहा है वहां वहां पुट करो म्यू एम जी माइनस एम इंटू जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको प्लीज, हाँ, यहां से सॉल्व करोगे, टैन थीटा किसके इक्वल आ गया, म्यू, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, टैन इनवर्स म्यू। उसकी जरूरत नहीं है मेरे को लगता है फ्री बॉडी डायग्राम की, बट चलो आइडिया हमें पता लग गया कि कैसे करना है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से जो आंसर है, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, या म्यू इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू, जो भी आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्सेस, कि कौन सी फोर्स कहां बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहां तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
suppose